press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, देव ऑनलाइन हेल्प में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ITI की थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब आप इसमें अपने रिजल्ट किस प्रकार से देखेंगे, कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर इस वाली साइट पर आ जाना है, ITI.MPOnline.gov.in। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट विजिट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ITI काउंसलिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चयन सूची तृतीय चरण, 19 तारीख को जो कल से हमको आई है लगभग दोस्तों, और यहाँ पर आप 24 तारीख तक इसमें अपना अलॉटमेंट देख पाओगे। यहाँ आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद इस कैप्चर को जोड़कर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। यदि अलॉट हो गया है तो आपको कॉलेज का नाम लिखा आएगा, और नहीं तो नॉट अलॉटेड यू। तो और जो कॉलेज की जो फीस है वो भी ऑनलाइन कटेगी दोस्तों, और फीस कटवाने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। इस प्रकार से आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।